Don't stop crying. I'm telling you now, do not stop crying. Okay? Are you sorry for making her watch porn? Yes, sorry. Are you sorry for that, are you? Are you sorry for the 59 explicit images you sent to a child? I'm sorry. Don't stop crying. No, please. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। तो भाई आज का वीडियो आपने देख ही लिया होगा कि किस बारे में होने वाला है। जो आपने पहले वीडियो देखी तो भाई स्टूडेंट्स को यूके से डिपोर्ट कर दिया गया, सीधा सीधा डिपोर्ट कर दिया गया। किसी की बिल्कुल नहीं सुनी गई। एक मतलब कहते हैं ना, कोई रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कोई एडवोकेट बुक कर ले, सोलिसिटर, कुछ नहीं उन्होंने सुना, बस सीधा डिपोर्ट कर दिया गया। तो भाई इसी टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि स्टूडेंट्स ने किया क्या है इस कंट्री में और ये डिपोर्ट क्यों हुआ है, मतलब रीज़न क्या है इस चीज़ के ऊपर। भाई एक सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाते हो ना, तो यार आपको है ना जिस पर्पज़ के लिए आप उस कंट्री में गए हो ना, तो आपको उसी में करना चाहिए। बट हो क्या रहा आजकल, भाई स्टूडेंट्स है ना बहुत ज़्यादा गलत रास्ते चूज़ कर रहे हैं। बस जिसका जो मतलब इसका रिजल्ट आप देख ही रहे होंगे क्या हुआ, बस इधर या डिपोर्ट होंगे या फिर जेल में जाएंगे। तो भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब गलत काम का तो भाई गलत ही नतीजे होते हैं। ये वीडियो भाई मेरे फ्रेंड ने मुझे शेयर की थी और मुझे बोला कि भाई तू अच्छा रहेगा कि अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू किसी भी मतलब जो भी स्टूडेंट तेरी वीडियो को देखते हैं ना, तो उनको बता सके कि भाई हमें गलत रास्ते बिल्कुल नहीं चलना है। तो भाई इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप इस कंट्री में भाई मतलब आए क्यों होते। खैर सीधी सी बात है, कोई वर्क पे आता है, कोई स्टूडेंट पे आता है। जैसे हम स्टूडेंट है, चलो हम स्टूडेंट वीजा पे आए, तो सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस ये रहेगी कि हम इस कंट्री में अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। रहना ना रहना वो एक अलग चीज़ है भाई, मतलब वो हमारा जैसे वीजा कन्वर्ट हो गया, पैसे कमाना वो एक अलग चीज़ है। बट जो मेन पर्पस है, हम इस कंट्री में स्टडी वीजा पे आए हैं, तो स्टडी ही हमारा मेन मोटिव है, हमें स्टडी करना चाहिए। तो बट स्टूडेंट कर क्या रहे हैं, इलीगल कामों में कुछ ज़्यादा ही घुस रहे हैं स्टूडेंट। मैं बात करना ही चाहता था इलीगल चीज़ की, बट मैं इस वीडियो में बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो का मतलब एक टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं हर टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट अपनी कंट्री से इस कंट्री में आ रहा है ना, वो या तो फिर ये सोच रहा है कि इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल हो चुके हैं मतलब यहाँ पर, और भाई अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर रहे। और बट जो ये स्टूडेंट है ना जो डिपोर्ट हुआ है, चलो इसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ जिसके बारे में मेन पर्पस है, फिर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए। भाई गलत काम का गलत ही नतीजा होता है, ये आपको सबको पता ही होगा। तो भाई इस स्टूडेंट ने किया क्या है कि भाई ये मैं इसके कोई आइडेंटिटी मेंशन नहीं कर रहा स्टूडेंट की, भाई ये कौन सी कंट्री का है, कहाँ का है इस, तो भाई मैं बिल्कुल मेंशन नहीं कर रहा, ना ही मैं इसको करना चाहता हूँ, ना ही मेरा मोटिव है। मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि आप ये ऐसे इस तरह के काम इस कंट्री में ना करें, क्योंकि यार देखो हम इस कंट्री में रह रहे हैं तो ये भी है एक हमारी ही कंट्री है। तो भाई हम जहाँ भी रहेंगे, कहते हैं ना एक हिंदी में कहावत है, भाई जिसका नमक खाया तो उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। तो भाई बिल्कुल सही बात है, हम पढ़ने आए हैं, हम पढ़ेंगे, रहना है ना रहना वो एक अलग चीज़ है, वो बाद की बात है, वो देखा जाएगा। वो सबके अपनी अपनी प्रेफरेंस और सबका मोटिव होता है भाई क्या है जिसका, बस वो एक अलग बात है बिल्कुल टोटली। तो इस लड़के ने किया क्या है भाई, इस लड़के ने अंडर एज गर्ल के साथ, मतलब कि अंडर एज गर्ल के साथ थोड़ा रिलेशन बनाने की कोशिश की है, बट ये बनाए नहीं है इसने, क्योंकि ये पहले से इस लड़की को मतलब कैसे बुलाया फुसलाया वो एक अलग चीज़ है, हमें नहीं पता। बट इस लड़की ने किया क्या, मतलब इस लड़के ने ना इस लड़की को काफी न्यूड आपने जो मतलब इमेजेस हैं तो वो सेंड की थी। तो भाई इस तरह की चीजें करना इस कंट्री में बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। किसी की मतलब यहां पर यार कोई प्राइवेसी होगी, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी शेयर करना ना बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है इस कंट्री में। तो इस लड़की को भाई ये डेट करने की कोशिश कर रहा था, ये लड़की को साथ में ले जा ही रहा था, किसी ने इसकी कंप्लेन कर दी, तो पुलिस ने वहीं पकड़ लिया इसको। और आप देख भी सकते हो इस वीडियो को, आप फाइंड आउट करोगे आप यूट्यूब पे तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो इस स्टूडेंट को सीधा कुछ नहीं है, देखो अब कितनी सारी बात हो रही है, सब पूछा गया है स्टूडेंट से कि भाई तू ये करना है तो तूने ये क्यों किया। भाई इस तरह के काम हमें बिल्कुल नहीं करने हैं इन कंट्रियों में। अगर हमारा मोटिव यहाँ पर सिर्फ स्टडी करना है, अपनी स्टडी करो, अपने आराम से रहो, ना किसी से फाइट करनी ना कुछ करनी। यहाँ पर पुलिस बहुत हेल्पफुल होती है, मतलब बहुत बहुत हेल्पफुल है यहाँ के बंदे यार इस कंट्री के, किसी से भी आप कुछ पूछ सकते हो तो बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। तो आप भाई इस कंट्री में बिल्कुल आराम से रहें, किसी से कोई इस तरह के इलीगल काम ना करें, जिस मोटिव के लिए आप वो पूरा करें अपना। तो भाई यही था मेरा मैसेज आप सभी को देना था कि इस कंट्री में आकर बिल्कुल ऐसे काम नहीं करने हैं। तो प्लीज़ स्टे सेफ, बिल्कुल इन कामों से दूर रहें। और भाई अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो यूके के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आपको देता रहूँगा और देता रहता हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं वीडियो बनाकर आपके साथ पोस्ट कर देता हूँ। तो भाई आपने देख लिया होगा, तो बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहना है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।